कैसे हो बच्चों आप सर? मुझे पता है थोड़ा वीडियो लेट आ रहा है क्योंकि तबीयत खराब हो गई थी मेरी। ठीक है, कोरोना नहीं हुआ था, ठीक है, तो टेंशन मत लेना। थोड़ी तबीयत खराब थी इसकी वजह से थोड़ा वीडियो लेट आ रहा है। ठीक है, तो आज हम हिस्ट्री में नया चैप्टर करने वाले हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, गुजराती में क्या कहेंगे इसको? स्वतंत्रोत्तर भारत। आपको पता होगा हमने जब क्लास की शुरुआत की थी तो हमने पहले बात किया था कि कैसे ब्रिटिश लोग, अंग्रेज सरकार इंडिया में आई, फिर उन्होंने कैसे इंडिया को तहस नहस किया। उसके बाद हमने पढ़ा कैसे राष्ट्रीय चळवळ, नेशनल मूवमेंट्स हुए ब्रिटिशर्स को बाहर भगाने के लिए। फिर तो उसके बाद हमने लास्ट क्लास में भी देखा कि इंडिया आज़ाद कैसे हुआ। ठीक है, कौन कौन से मूवमेंट्स हुए थे। और अब हम बात करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंट, मतलब कि इंडिपेंडेंस मिलने के बाद इंडिया का क्या हाल था उस टाइम पे। ठीक है, तो ये वीडियो 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड दोनों के लिए है। ठीक है, क्योंकि NTSC में ये दोनों का ही कॉमन सब्जेक्ट है। और मेरा नाम राकेश गुप्ता, ठीक है, मैं आपको हिस्ट्री करा रहा हूँ और ये NTSC सिलेबस इन हिंदी। ठीक है, इसके लिए मैं गुजराती में भी कहता रहूँगा। ठीक है, कुछ कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, बाकी तो फिर आप खुद ही समझदार हो, आप समझ ही जाओगे कि क्या है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, ठीक है, स्वतंत्र भारत, कि जैसे भारत आज़ाद हुआ तो भारत के पास दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। ठीक है, और वो कौन सी थी? तो वो था कि इंडिया का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब समझते हो ना आप, कि जो हमारा जो इंडिया कैसे काम करेगा, क्या होगा, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था इंडिया को। और जो भी ब्रिटिश एम्पायर जब जा रही थी छोड़ के, तो जो भी देशी रजवाड़े थे और जो भी ब्रिटिश इंडिया के जो भी मेन पार्ट्स थे, उन सबको इंडिया के अंदर मर्ज करना और एक इंडिया इंडिया का एक मैप बनाना, है ना। क्योंकि आपको पता है, मैंने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट माउंटबेटन प्लान में आपको क्या बताया था, लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या कहा था कि आप जो भी देशी रजवाड़े हैं, ठीक है, कौन कितने थे, 562, ठीक है, उनमें से आप इंडिया में जा सकते हो या तो आप पाकिस्तान में जा सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप अकेले इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। ठीक है, पर सबको इंडिया में मिलाने का काम हमारे लौह पुरुष, जानते हो आप इनका कौन थे, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ, इन्होंने अपने सेक्रेटरी सर वीपी मेनन और बहुत सारे दूसरे लीडर्स के साथ मिलकर ये बहुत ही, जो कहते हैं ना, इम्पॉसिबल काम इन्होंने पॉसिबल कर दिखाया था। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, आप किसी जगह के राजा हो और आपको मैं कहूँ कि आप अपना राज्य छोड़ दो, आप हमारे साथ एक कंट्री में बन जाओ, तो आप बनोगे क्या? खाली एक बार इमेजिन करके देखना कि आप ऐसे मस्त राजा महाराजा की तरह आप जी रहे हो, या आपको कहे कि चल नहीं आप इंडिया में मिल जाओ, तो आप आओगे क्या? ठीक है, तो उस टाइम पे ऐसा ही कंडीशन था, पर फिर भी सर वल्लभ भाई पटेल और उनके लीडर्स और सर वीपी मेनन की हेल्प की वजह से, उनकी उनकी बुद्धि की वजह से, उन्होंने ऐसी टेक्निक यूज़ की कि सब जो देसी रजवाड़े थे वो इंडिया के अंदर विलय हो गए। ठीक है, तो उसमें से जो भी देसी रजवाड़े थे, तो उसके अंदर 20% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन उस टाइम पे देसी रजवाड़े में ही रहते थे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है यहाँ पे कि इंडिपेंडेंस के बाद जो भावनगर के महाराजा थे, महाराजा का नाम ना रखने की जरूरत नहीं है, तो फिर भी कृष्णा कुमार सिंह वो फर्स्ट किंग थे जिन्होंने इंडिया के गवर्नमेंट के साथ ऐसा टाई अप किया कि हाँ हम आपके साथ ही रहेंगे। ठीक है, और उससे पहले 15 फरवरी को ना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सौराष्ट्र, ठीक है, आप जानते हैं काठियावाड़ी सब, जूनागढ़, पोरबंदर, सब सौराष्ट्र को मिलाया था उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे, ऐसे कहते हैं ना कि बहुत ही हिम्मत वाला काम, ऐसा कि बहुत ही इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया था। इन्होंने एक ऐसा, मतलब कि पूरे स्टेट को मिला के एक सौराष्ट्र राज्य बनाना इतनी आसान बात नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे सब अलग अलग छोटे छोटे राज्य थे, कुछ राज्य तो एक गांव जितने भी हुआ करते थे, उन सबको मिला के उन्होंने सौराष्ट्र बनाया। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इनकी प्रशंसा भी की थी। ठीक है, तो 562 में से 559 जितने लोग आसानी से मान गए थे कि हाँ हम आपके साथ मिल जाएंगे, पर तीन जगह तीन जनों ने यहाँ पे अपना नाटक किया था, उनके लिए से अलग अलग हथकंडे अपनाए गए थे उनको इंडिया के साथ मिलाने के लिए। तो ठीक है, तो यही मैंने आपको बताया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अटैचमेंट बॉन्ड, ठीक है, अटैचमेंट बॉन्ड को कहते हैं अपने जोड़ान खत। ठीक है, और ये स्टेटस क्यो एग्रीमेंट
इसको क्या कहेंगे अपने, जैसे थे करार। ठीक है, तो ये सब क्या है, सब कुछ नहीं है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट के सर वी पी मेनन ने मिलकर ड्राफ्ट तैयार किया था। क्या अटैचमेंट बॉन्ड, मतलब जोड़ान खत, कि जो भी देशी रजवाड़े या प्रिंसली स्टेट्स के पास हो जाते थे तो अटैचमेंट बॉन्ड लेके जाते थे और स्टेटस क्यो एग्रीमेंट के साथ। ठीक है, मतलब कि एक एग्रीमेंट होता था कि आप हमारे साथ इंडिया के साथ विलय कर रहे हो, आप इंडिया में मिल रहे हो और उसके बदले में जो भी फ़ायदे होंगे आपके, ये फ़ायदे होंगे वो सब आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो किंग्स जो थे ना, जो भी देसी रजवाड़े थे वो सब खुश थे। ठीक है, आपको दिखेगा नहीं, एक सेकेंड, जो भी किंग्स थे ना वो सब खुश थे। देखो, किंग्स वर हैप्पी बाय दिस ड्राफ्ट, जो किंग्स थे वो बहुत खुश थे कि हाँ चलो अब भी अगर मैं अकेले रहूँगा तो मेरे पे हमला भी हो सकता है और ये पे कंट्री बन के रहेंगे तो कंट्री के बहुत सारे फायदे भी है। ठीक है, पर जो कश्मीर हैदराबाद जूनागढ़ थे उनके अलावा सबने ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन मतलब क्या, कि एक पेपर पे साइन किया था कि हाँ हम इंडिया के साथ मिल रहे हैं और हम इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसको अच्छी तरह पालन करेंगे। ठीक है, तो ये अब देखो, ये अब मैंने आपके लिए एक फोटो निकाला है कि इंडिया जो था वो पार्टीशन के पहले कैसे था। देखो, ये पूरा था ना, ये पूरा इंडिया था। ठीक है, ये देखो, इसके अंदर ये बर्मा भी आ गया, मतलब कि जो म्यांमार है आज का, पाकिस्तान भी आ गया। ठीक है, ये श्रीलंका था वो भी आ गया। तो ये सब उस टाइम पे सब के ना ब्रिटिश कॉलोनी थी। ठीक है, तो इंडिया पार्टीशन से पहले का इंडिया का मैप ऐसा था कुछ। और पार्टीशन के बाद देखो, यहाँ पे एक वेस्ट ना वो भी है, ईस्ट पाकिस्तान, मतलब जो अभी बांग्लादेश के नाम से कहा जाता है। ठीक है, तो एक सेकेंड ना, तो देखो, अब ये देखो वेस्ट पाकिस्तान बन गया, ये ईस्ट पाकिस्तान हो गया, ये बर्मा मतलब अपना म्यांमार हो गया और ये श्रीलंका और इंडिया का ये कंट्री रह गया। ठीक है, तो ये पार्टीशन के बाद का है और ये पार्टीशन के पहले का है और ये पार्टीशन के बाद का है। ठीक है, तो देख सकते हो आपकी उस टाइम पे कितना लंबा, कितना बड़ा कंट्री हुआ करता रहा इंडिया, मतलब कि ब्रिटिश इंडिया, इंडिया नहीं ब्रिटिश इंडिया। फिर जब इंडिया बना तब वेस्ट पाकिस्तान अलग हो गया, ईस्ट पाकिस्तान अलग, और आज ईस्ट पाकिस्तान को अपने किसके नाम से जानते हैं, बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर ये देखो, ये मैं आपके लिए एक और लाया हूँ कलर, एक और एक सेकेंड, कलर चेंज कर दे रहा हूँ। देखो, आपके लिए मैं लाया हूँ फोटो, इसके लिए जो पिंक कलर के ना वो सब देसी रजवाड़े हैं। कौन है? देसी रजवाड़े, मतलब कि जिसके ना राजाओं का वो सब राज चलता था, ब्रिटिशर्स पीछे से राज करते थे। और येलो कलर की कौन है? ये ब्रिटिश इंडिया, मतलब कि जहाँ पे छुक्का छुक्का, मतलब कि ब्रिटिश की कॉलोनी वो सब बनी रहती थी। ठीक है, तो ये ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, और ये इंडिया, ठीक है, और ये देसी रजवाड़े थे। ठीक है, तो ये जो भी येलो कलर का है, देखो ये सब देसी ना, सब ब्रिटिश इंडिया के पार्ट थे। और जो भी ये पिंक कलर के सब प्रिंसली स्टेट्स थे। तो प्रिंसली स्टेट्स देसी रजवाड़े को कहा गया था कि आप इंडिया के साथ मिलो तो भी चलेगा। तो सोचो अगर ये सब नहीं मिलते, देखो एक सेकेंड ना, हाँ देखो, अगर ये सब नहीं मिलते जो भी देसी रजवाड़े, देखो ये, ठीक है, ये तो इंडिया का मैप कैसा रहता, कैसा है, मतलब कि ये एक पार्ट इंडिया में आता, ये पार्ट इंडिया में आता, फिर बीच बीच में से आता। तो इसको पूरा एक बनाया किसने? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके लीडर्स की हेल्प से। ठीक है, जिसके में जवाहरलाल नेहरू भी थे, सर वी पी मेनन भी थे। ठीक है, पीएलए जो पार्ट है पाकिस्तान में गया। ठीक है, ये ना बंगाल का आधा पार्ट ईस्ट पाकिस्तान में गया। ठीक है, तो समझ आ रहा है ना आपको? तो अभी हम चलते हैं ऑफिस की, जो 3 स्टेट था उसके अंदर कैसे कैसे दिक्कतें आई। जो हैदराबाद जूनागढ़, तो सबसे पहले हैदराबाद में आपको याद रखना है वहाँ पे कौन हुआ करता था, निज़ाम। ठीक है, मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ, सब मस्त स्टोरी है, ऐसा कान में ईयरफोन लगा के एकदम कहानी जैसे सुनते हो ना आप दादा दादी से, ऐसा कहानी समझ के पढ़ना एक बार, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, क्लास में होते अपने तो और ज़्यादा मज़ा आता। ठीक है, तो हैदराबाद के अंदर निज़ाम हुआ करता था। निज़ाम ने कहा, कहा हैदराबाद कहा इंडिया के साउथ पार्ट में, तो वो पाकिस्तान से मिल तो सकता नहीं था क्योंकि उसको पाकिस्तान से मिलना था। पर जोग्राफी लोकेशन देखो, ये पाकिस्तान इधर, हैदराबाद इधर है, देखो देख रहे हैं ना हैदराबाद, एक सेकेंड, देखो ये हैदराबाद है, देखो सर्कल किया मैंने, वो हैदराबाद है, मैं कलर चेंज करके कर सर्कल करता हूँ, तो समझ, देखो ये हैदराबाद है और ये पाकिस्तान इधर, तो उसको इधर मिलना था तो इधर जाना था, तो कैसे जाता, बीच में तो सब बाउंड्री था इंडिया का। ठीक है, तो इस तरीके से वो अपना ना हैदराबाद जो था उसने कहा कि मैं ना इंडिया में रहूँगा ना पाकिस्तान में रहूँगा, मैं इंडिपेंडेंट रहूँगा। ठीक है, लेकिन जो इंडिया था, इंडिया थे वो हैदराबाद उस टाइम पे बहुत ही अमीर और बहुत ही बड़ा राज्य हुआ करता था, देसी रजवाड़ा सबसे, देखो सबसे अमीर और सबसे बड़ा राज्य था देसी रजवाड़े में। ठीक है, तो वो कैसे भी चाहते थे कि ये अपना इसके अंदर आ जाए। ठीक है, अपना इंडिया के अंदर आ जाए, तो इसके लिए वहाँ पे जो
सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने पुलिस का फोर्स का एक्शन लिया और 18 सितंबर 1948 में निज़ाम को वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेक्शन साइन करवा दिया, ठीक है। और इसके लिए जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था उस ऑपरेशन को कहते हैं ऑपरेशन पोलो, ठीक है। एक सेकेंड मैं ऐसे लिख रहा हूँ, POLO, ऑपरेशन पोलो, ठीक है। इस पुलिस फोर्स का जो एक्शन हुआ था ना उसको ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया था कि ऑपरेशन पोलो, ठीक है। पोलो की इसलिए क्योंकि हैदराबाद में उस टाइम पे एक पोलो एक गेम का नाम है, ठीक है। तो उस टाइम पे हैदराबाद पे दुनिया के सबसे ज़्यादा पोलो ग्राउंड थे, कुछ 17 पोलो ग्राउंड्स थे उस टाइम पे हैदराबाद में, खाली अकेले हैदराबाद में, जो किसी भी कंट्री से ज़्यादा थे। तो उसके लिए उसको ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था, ठीक है। तो 18 सितंबर को आपको याद रखना है, 18 सितंबर देखो अब आने ही वाला है, जब वीडियो अपलोड होगी यूट्यूब पे तब शायद 18 सितंबर ही होगा। तो उस दिन अपना हैदराबाद का मर्ज हुआ था इंडिया के अंदर। अब सेकेंड अपना जूनागढ़ पे चलते हैं, ठीक है। तो जूनागढ़ में भी ऐसी हालत थी, तो जूनागढ़ में उस टाइम पे कौन था, नवाब, ठीक है। तो जूनागढ़ का नवाब था, उसने वो थोड़ा शंकित रहता था, उसने कह दिया कि जूनागढ़ मैं तो जाऊँगा पाकिस्तान के अंदर। और आपने जूनागढ़ का मैप देखा है, गुजर का मैप देखा है, आपको पता है जूनागढ़ आजू बाजू से हिंदू स्टेट से घिरा हुआ था उस टाइम पे, सौराष्ट्र के जो बाकी के स्टेट थे और वो इंडिया में मिल चुके थे, और एक साइड पे उसका कोस्टल रीजन था मतलब कि समुद्र किनारा, ठीक है। तो उन्होंने तो भी उससे कहा कि नहीं मैं जूनागढ़ वहाँ पे जाऊँगा, पाकिस्तान में जाएगा। तो जूनागढ़ का जो 80% पॉपुलेशन था ना वो हिंदू था, वो चाहता था हम इंडिया में मिले, पर उसका नवाब था वो शंकी था, वो चाहता था नहीं हम पाकिस्तान में जाए। तो इसने क्या किया जूनागढ़ ने ना, पाकिस्तान के साथ वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन साइन कर दिया कि हम पाकिस्तान में मिल रहे, और पाकिस्तान ने उसको हाँ भी कर दिया। तो सोचो दोनों पागल जैसे, पाकिस्तान को लेकिन कैसे जूनागढ़ पाकिस्तान में मिल सकते हैं, एक टाइम एक जगह से उसका समुद्र किनारा है, बाकी तीनों साइड से उसके जो सौराष्ट्र के बाकी जो राज्य हैं वो सब इंडिया में मिल चुके हैं, तो जूनागढ़ कैसे मिल सकता था, ठीक है। तो वहाँ पे अर्जी हुकूमत एस्टेब्लिश की गई, ठीक है ना, जूनागढ़ के जो पीपल थे जो लोग थे उनके द्वारा ही, जो भी क्योंकि खाली नवाब चाहता था कि वो बाकी जो भी लोग थे जो भी बड़े बड़े अधिकारी थे वो सब चाहते थे कि ये अपने इंडिया में ही मिले, ठीक है। तो जूनागढ़ के वक्त आपको याद रखना कि अर्जी हुकूमत एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। और जो वहाँ का रेफरेंडम कराया गया था, वहाँ पे रेफरेंडम मतलब कुछ चुनाव टाइप, मतलब कि एक वोटिंग लिया गया था, ठीक है, ऐसा कहे सही भाषा में तो वोटिंग कह सकते हैं, जहाँ पे लोगों को पूछा गया कि आपको कहाँ जाना है, इंडिया या पाकिस्तान। तो बहुत मुझे 90% लोगों ने कहा हमें इंडिया में ही जाना है, ठीक है। और माउंटबेटन प्लान के हिसाब से अगर सिटीजन या जो जो लोग आप रहते वो चाहते कि उनको कोई और देश में जाना है तो ऐसा कर सकते थे। तो इस तरीके, और जो अपना जो नवाब था, ठीक है, जूनागढ़ के बाहर सारे फोर्सेस भी तैयार करती थी कि अगर नवाब कुछ करता, क्योंकि अपना चुनाव जो वोटिंग हुआ उस पर तो इंडिया का नाम लोगों ने लिया, तो हो सकता था कि वो लोगों को मारे या तो उनके जो सैनिक है वो थोड़े बदतमीजी करें, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करे। तो इसके लिए जो इंडियन सोल्जर्स थे वो सब जूनागढ़ स्टेट को प्रोटेक्ट करने, मतलब कि आजू बाजू उसके जो स्टेट्स थे जो उसके नज़दीक के गांव थे वहाँ पे उन्होंने कब्जा कर लिया, अगर कुछ भी होता जूनागढ़ पे तो वो हमला कर देते, ठीक है। देखो आपको बताया इंडियन सोल्जर्स और नेवी थी, उसने मानवदार और मांगरोल, ठीक है, जो जूनागढ़ स्टेट के आजू बाजू थे वहाँ पे उन्होंने कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो अब जो नवाब था उसको लगा कि आप भाई अपना नहीं हो सकता कुछ, तो वो भाग गया पाकिस्तान, ठीक है। तो और 9 नवंबर 1947 को रेफरेंडम वापस लिया गया, जहाँ पे जूनागढ़ ने के लोगों ने कहा कि नहीं हम इंडिया के साथ मिलेंगे, ठीक है। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताओ क्या है इसके नवाब के बारे में, इसका जो नवाब था ना उसको कुत्ते से बहुत शौक था, ठीक है। तो ऐसा कहते हैं कि इसके पास कुछ 800 जितने कुत्ते हुआ करते थे नवाब के पास, जूनागढ़ के नवाब के पास उसको बहुत शौक था। और एक बार ऐसा हुआ था, उसने अपने उसका फेवरेट कुत्ता था उसने उसकी शादी करवाई थी धूमधाम से, जैसे अपने नहीं शादी करवाते तो एकदम धूमधाम से शादी करवाई थी, और उसके अंदर सब बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया था, और एक दिन की छुट्टी भी दी थी सरकारी छुट्टी, कि उस दिन उसके कुत्ते का शादी थी तो उस दिन सब लोगों को छुट्टी दे दी थी काम से कि आज सब फेस्टिवल मनाएंगे, आज सबकी छुट्टी है। तो ऐसा वो थोड़ा पागल था कुत्तों के लिए, और ऐसा कहते हैं कि जो पाकिस्तान भागा तो अपने कुत्ते को लेके भी भागा था पाकिस्तान, ठीक है। तो चलो वापस अभी अच्छा मेरी क्लास में हो गया ना, तो आपको ऐसा मैं इंटरेस्टिंग चीज़ें बताते रहूँगा। तो अभी चलते अपने कश्मीर पे, कश्मीर का थोड़ा केस उल्टा था। अब कश्मीर में जो राजा था ना, राजा हरि सिंह थे, और वहाँ की जो प्रजा थी वो 80% मुस्लिम थी, मतलब कि मेजोरिटी मुस्लिम थी,
ठीक है, पर फिर भी जो ना सरदार वल्लभ भाई पटेल जवाहरलाल नेहरू जी ने ना अपने जो लीडर्स थे उनके मुस्लिम लीडर्स उनको बना के वहाँ के लोगों को बना लिया था कि वो इंडिया के अंदर ही आए, वो इंडिया के अंदर ना इंडिया के अंदर ज्वाइन करने के उनके क्या क्या फ़ायदे थे वो वहाँ के लोगों को उन्होंने बता दिया था। ठीक है, तो फिर भी जो राजा हरी सिंह थे उन्होंने कहा कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम ना इंडिया में रह जाएंगे हम ना पाकिस्तान में जाएंगे। ठीक है, आपको पता है जम्मू कश्मीर का ऊपर टॉप में है अपना स्टेट, तो वो चाहता था कि हम इंडिपेंडेंट रहे, हम ना पाकिस्तान में रहे ना हम इंडिया में रहे, हरी सिंह ने कहा। पर जब पाकिस्तान ने जब इन पर हमला कर दिया, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर ऐसा था कि कोई भी कंट्री किसी पर हमला करती थी उसको जीत जाती थी तो वो अपने पास रख लेती थी, तो पाकिस्तान ने जो है कश्मीर पे हमला कर दिया, तो हरी सिंह ने कहा इंडिया ने हेल्प मांगी, तो इंडिया ने कहा कि हम आपकी हेल्प क्यों करें, आप तो एक अलग स्टेट हो, आपको तो इंडिपेंडेंट रहना है, आपको तो आज़ाद रहना है। तो फिर हरी सिंह ने कहा नहीं, हम मतलब कि इंडिया के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। फिर उन्होंने इंडिया के साथ जुड़ने का साइन किया, उसके बाद फिर इंडिया ने अपनी जो सेना थी वो पाकिस्तान भेजी। ठीक है, पर ये सब प्रोसेस थोड़ा लेट हो गया, जब तक इंडिया सेना वहाँ तक पहुँची तब तक पाकिस्तान ने 1/3 पोर्शन कश्मीर हथिया लिया था, और जहाँ पे वो लोग जहाँ पे इंडिया ने उनको रोका वही बन गया अपना LOC। ठीक है, LOC मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, जहाँ पे उन्होंने जिस अब क्योंकि पाकिस्तान सेना वहाँ तक जीत लिया था उन्होंने, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये एरिया हमारा है, और जहाँ पे इंडियन लोगों ने रोका उनको, ठीक है, इंडियन लोगों ने कहा कि आप पूरा पीछे जाओ, तो पाकिस्तान वाले ने मना कर दिया कि नहीं ये तो हमारे जीता हुआ ज़मीन है हम नहीं देंगे। ठीक है, उसी के बाद से ये जो कश्मीर का मुद्दा है वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशन का मुद्दा आज तक बना हुआ है। इंडिया ने इसको सिक्योरिटी काउंसिल में भी ना रखा था, एक इंटरनेशनल संस्था है जहाँ पर कोई दो देश अगर झगड़ा करते तो केस वहाँ जाता है। ठीक है, जैसे अपना कोर्ट होता है ना वैसे एक इंटरनेशनल कोर्ट है सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, तो इसके लिए कश्मीर की वजह से झगड़ा भी हुआ है, 3 बार युद्ध भी हुआ है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। तो ये पूरा मामला था कश्मीर का। अगर आपको डिटेल्स में जानना है एकदम डेप्थ में तो कहना मेरे को कमेंट सेक्शन में, मैं एक कश्मीर के ऊपर अलग वीडियो भी बना दूंगा, पर अगर आप लोग कहोगे तो ही। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, आपको क्या क्या बातें याद रखनी है इसमें से, तो आपको खाली 3 चीज़ें याद, 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि हैदराबाद में हुआ क्या हुआ करते थे निज़ाम। ठीक है, तो हैदराबाद, एक सेकंड कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले, तो हैदराबाद में कौन था निज़ाम, ठीक है, और ना जूनागढ़ में कौन था नवाब, और कश्मीर में कौन था राजा हरी सिंह। ठीक है, तो ये आता है सवाल हमेशा NTIC में कि जूनागढ़ का कौन हुआ करता था, निज़ाम, नवाब के ना राजपूत, तो आपको याद रखना कि नवाब। ठीक है, हैदराबाद के अंदर ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन POLO, ठीक है, ऑपरेशन पोलो यूज़ किया गया था। ठीक है, जूनागढ़ के अंदर अर्जी हुकूमत, ठीक है, अर्जी हुकूमत और अपना ना वो वोटिंग किया गया था। ठीक है, तो अर्जी हुकूमत, ठीक है, और अपना कश्मीर में क्या था, तो कश्मीर में उन्होंने अटैक कर दिया था पाकिस्तान वालों ने। ठीक है, अटैक हुआ था तो अटैक को बचने के लिए उन्होंने इंडिया के साथ साइन किया था, वो इंडिया के अंदर पहुंच गए थे और इंडिया के अंदर उनका विलय हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद वैसे अपने फ्रेंच और पोर्टुगीज थे, क्योंकि वो तो ब्रिटिश इंडिया के थे और फ्रेंच और पोर्टुगीज भी उस टाइम पर इंडिया में थे, तो उनका भी एक लिमिटेड ना एरिया था जिसके अंदर उनका राज चलता था। तो 26 जनवरी को 1950 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, इंडिया एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन कंट्री बन गया था। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा फ्रेंच को कि आप अपने जो आपका जो रीजन है आप वो हमें दे दो। ठीक है, तो फिर फ्रेंच गवर्नमेंट ने उन्होंने कहा नहीं हम नहीं देंगे, हम आज़ाद नहीं करेंगे। फिर पीपल लिबरेशन आर्मी हुई बनी। ठीक है, और मतलब 31 अक्टूबर 1954 तक आते, ठीक है, 1947 में आज़ादी मिली, पर फ्रेंच से कब आज़ादी मिली, 1954। तो फ्रेंच के पास कौन कौन से रीजन्स थे, ठीक है, तो आपको पता है ना माहे, ठीक है, माहे, यनम, चंदनगर, ये सब जो फ्रेंच के कॉलोनीज थे वो सब लास्ट 31 अक्टूबर 1954 तक आ गए। तो आपको खाली ये डेट याद रखने का। ठीक है, उस टाइम पर हिंद छोड़ो आंदोलन के का भी स्लोगन दिया गया था, ठीक है, फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा। अब अपने देखते हैं मर्जर ऑफ दीव दमन एंड गोवा। ठीक है, तो अब दीव दमन गोवा में किसका राज था, पोर्टुगीज का, ठीक है ना, पोर्टुगीज का राज था दीव दमन गोवा में। ठीक है, तो पोर्टुगीज में क्या हुआ था कि वो लोग चाहते थे,
वो लोग चाहते थे कि अपना ना जो पोर्टुगीज एरिया है वो इंडिया में ना आए। ठीक है, अब अभी आप जाओगे गोवा के अंदर तो भी आपको गोवा के अंदर बहुत फिरंगी दिखेंगे, क्योंकि वो लोग बहुत पहले से रहते आ रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो वो गोवा को अपना अपना ही देश मानते थे वो पोर्टुगीज, क्योंकि वो पूरा बस गए थे वहाँ पे। तो फिर इंडियन गवर्नमेंट ने कहा नहीं, हमें गोवा तो चाहिए, तो फिर वहाँ से उनको निकालने के लिए ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया था गोवा से बचाने के लिए। ठीक है, गोवा को बचाने के लिए पोर्टुगीज से। उसके बाद 19 दिसंबर को मतलब कि गवर्नर पोर्टुगीज डी सिल्वा ने सरेंडर किया इंडियन गवर्नमेंट को। ठीक है, तो 19 दिसंबर की रात को जब उन्हें पता चला कि अब वो नहीं जीत पाएंगे, तो उन्होंने जो है ना गोवा को इंडिया के हाथों सौंप दिया। और 12 मार्च 1962, ठीक है, गोवा दादरानगर हवेली और सब मर्ज हो गए थे यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर। तो जो लास्ट जो ब्रिटिश जो वेस्टर्न कंट्री का बचा था पोर्टुगीज, वो भी फिर चले गए। तो देखो 1960 ना 1947 के अंदर आज़ादी मिल गई ब्रिटिश से, लेकिन जब पोर्टुगीज और फ्रेंच से पूरी तरह से आज़ादी मिलते मिलते 1962 तक का टाइम हो गया था। ठीक है, फिर उसके बाद ना दमन एंड दीव को अलग कर दिया गया गोवा से। अब दमन तो गुजरात के पास ही है, पता ही है आपको, और दीव अगर नाम सुना होगा तो पता होगा आपको किसके लिए फेमस है, गोवा भी किसके लिए फेमस है। ठीक है, तो ये सब था मर्जर ऑफ दीव दमन एंड गोवा के बारे में। उसके बाद अब समझो कि अब इंडिया का स्टेट जो देसी रजवाड़े थे वो तो इंडिया के अंदर मिल गए, तो फिर उनके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लागू करें। ठीक है, तो उसके लिए चार अलग अलग टाइप के स्टेट बनाए गए थे, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। ए क्लास ए के अंदर कुछ स्टेट्स थे, क्लास बी के अंदर कुछ, क्लास सी के अंदर कुछ स्टेट्स और क्लास डी के अंदर कुछ। मतलब कि ऐसा था कि क्लास ए को हम अलग तरीके से रूल करेंगे, क्लास बी को हम अलग तरीके से रूल करेंगे, मतलब उनके लिए अलग लॉज और रूल्स बनाएंगे, क्लास सी के लिए अलग। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या दिक्कत आई कि जो क्लास ए जो थे वो बहुत ही डेवलप्ड हुआ करते थे। देखो मुंबई हो गया, आसाम, पंजाब, तो ये था ना ब्रिटिश इंडिया ने जो जो उसके जो जो एरिया उसके फायदे के थे वहाँ पे इन्होंने अच्छी तरह उसको डेवलप किया था, और जो जो रीजन उसके फायदे के नहीं थे वहाँ पे इन्होंने कुछ डेवलपमेंट की नहीं थी, तो वही दिक्कत यहाँ पे आने लगी। ठीक है, तो उसके बाद फिर जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि अब हमें ना स्टेट को वापस से बनाना पड़ेगा, वापस से उसको एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे दो चीज़ें चल रहे थे, सब कहते रहे कि जो भाषा एक स्टेट में एक भाषा वाले लोग रहने चाहिए, मतलब कि गुजरात है तो गुजरात बनना चाहिए जहाँ पर सारे गुजराती रहते हो। ठीक है, अगर मराठी है तो मराठी वाले का महाराष्ट्र अलग बनना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब इंडिया के अंदर हजारों से ज़्यादा भाषा बनी जा बोली जाती है, तो हर भाषा को एक अलग अलग स्टेट दे देंगे तो कैसे चलेगा। ठीक है, तो थोड़ा दिक्कत आ जाती है। तो उस टाइम पे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में लोगों ने इसको जो इंडियन के लीडर्स थे उन्होंने ना कह दिया था, और उन्होंने चार क्लासिफिकेशन किए थे। और फिर बाद में प्रोटेस्ट होने लगे, साउथ के अंदर एक लीडर थे उन्होंने 56 दिन तक कुछ खाया नहीं था, भूख हड़ताल पे थे, और 56 दिन के बाद वो मर गए। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे प्रोटेस्ट चालू हो गया कि हमारे लीडर की डेथ हो गई और भूख हड़ताल के, और सरकार ने कुछ ध्यान नहीं दिया। उसके वो जगह था आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश को हैदराबाद और से अलग किया गया, मतलब कि कर्नाटका से सबसे अलग किया गया, और आंध्र प्रदेश एक नया स्टेट बना। क्योंकि आंध्र प्रदेश में उस टाइम पे आंध्र जो तेलुगु बोलने वाले लोग रहते थे और कर्नाटका में तमिल बोलने वाले लोग रहते थे, तो आंध्र प्रदेश जो था थोड़ा पिछड़ा हुआ था, और कर्नाटका के जो तमिल थे वो बहुत ही प्रोग्रेस वाले थे, डेवलप हुआ करते थे। तो इसके लिए जो लीडर थे आंध्र प्रदेश के, उन्होंने 56 दिन तक भूख हड़ताल किया, 56 दिन उनकी डेथ हो गई। तो उसके पास बहुत झगड़ा होने लगा, बहुत दंगे होने लगे, फिर सरकार की बहुत आलोचना हुई, फिर सरकार ने आंध्र प्रदेश को एक अलग स्टेट बना दिया। सबसे पहला अलग स्टेट बनने वाला आंध्र प्रदेश था, किसके टर्म्स में, लैंग्वेज भाषा के टर्म्स में। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझ आ रहा होगा, आपको ये सब सुनने में अच्छा भी लग रहा होगा। ठीक है, फिर गुजरात सौराष्ट्र मुंबई था। ठीक है, वो सब एक ही था पहले, महाराष्ट्र सौराष्ट्र गुजरात बन के एक राज्य था बॉम्बे। ठीक है, मुंबई उसकी कैपिटल थी। और फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, जो स्टेट जो अपना रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ठीक है, ये देखो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो बना था उसके मेंबर्स कौन थे, मिस्टर हृदयनाथ कुंजरू और मिस्टर के एम पन्नीकर। ठीक है, तो इन्होंने सारे स्टेट्स को अपने अपने क्या क्या हो सकते हैं, उनको कैसे कैसे स्टेट चाहिए पब्लिक ओपिनियन के थ्रू बताने के लिए कहा। ठीक है, और उसके बाद फिर उन्होंने 1956 तक एक बिल आया, और 1956 में एक बिल पास हुआ, उसके मुताबिक जो ABCD वाला था ना चार क्लासिफिकेशन, उसको उन्होंने रद्द कर दिया, और 14 अलग स्टेट बने थे। ठीक है, और यूनियन टेरिटरीज मतलब कि जो
डायरेक्ट डायरेक्ट सर जो केंद्र सरकार है वो वहाँ पे देखेगी आपको, आपने सिविक्स में पढ़ा होगा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बारे में, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरीज उस टाइम दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सब थे। और 14 स्टेट्स कौन से थे? आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, मुंबई, ठीक है, मुंबई में गुजरात, सौराष्ट्र दोनों, जम्मू कश्मीर, केरला सॉरी, मध्य प्रदेश, मद्रास, ठीक है, चेन्नई, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, यूपी और वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो एक सेकेंड आपको बता दूं कि ये जो था ना स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, इसके पहले 3 अलग अलग कमीशन भी बने थे। एस के धार कमीशन, जिसने उसको 4 स्टेट में बांटा था, क्लासिफिकेशन ए बी सी डी में जो किया था ना, वो इन्होंने किया था। इन्होंने चोखी ना बोल दी थी कि हमें लैंग्वेज के हिसाब से नहीं करना। फिर उसके बाद JVP कमेटी आई थी, ठीक है, जैसे अपने जवाहरलाल नेहरू, जैसे वल्लभ भाई पटेल और पी से पत्ताभी सीतारमैया, ठीक है, इन्होंने भी 1948 में एक रीऑर्गेनाइजेशन एक बनाया था कमेटी, इनकी कमेटी बनी थी जिन्होंने कहा था कि हम स्टेट्स को कैसे डिवाइड करेंगे। तो इन्होंने भी कहा था कि हम भाषा के हिसाब से तो नहीं करेंगे। फिर फेडरल अर्ली कमीशन 1953 में जो आया, उन्होंने कहा कि हम भाषा के हिसाब से कर सकते हैं, पर खाली भाषा देखने की जरूरत नहीं है, हमें और भी बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के एक राज्य बनाना पड़ेगा। और इन्होंने कहा कि एक राज्य में एक भाषा वाले लोग तो नहीं हो सकते, ठीक है, आप गुजरात में देख लो, सब राज्य के लोग बोलने वाले गुजरात में रहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक राज्य को एक भाषा बोलने वाला स्टेट बनाया जाए। उसके बाद हमने जो अभी लास्ट में देखा जिसमें 14 स्टेट्स बने थे, वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का था। और उसके मेंबर कौन थे? तो मिस्टर हृदयनाथ कुंजरू और मिस्टर KM पन्नीकर, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी, ठीक है, ये तो हमारा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था ऊपर के 3। तो ये है अपना 1956 के बाद जो इंडिया बना था वो, आप देख सकते हो, ये मद्रास, ये मैसूर सब स्टेट बने, देखो ये सब एक ही था, कच्छ, सौराष्ट्र, बॉम्बे, ये तीनों एक ही थे। ये आसाम के साइड भी जो 7 सिस्टर्स थे वो सब भी एक ही थे, ठीक है, मैं 7 सिस्टर्स के आपको बताता हूँ। फिर जम्मू कश्मीर, ये वो हिमाचल प्रदेश, देखो लेह लद्दाख भी नहीं है यहाँ पे, मैं आपको नया वाला मैप भी बताऊँगा, ठीक है, अभी कुछ ही देर में, तो लास्ट तक बने रहना, ठीक है। तो उसके बाद फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने फिर महाराष्ट्र, गुजरात को भी अलग अलग स्टेट के रूप में बना दिया, ठीक है, लैंग्वेज के हिसाब से 1960 को, और 1 मई 1960 को अपने स्थापना दिवस भी बनाते हैं, गुजरात स्थापना दिवस, और महाराष्ट्र वाले महाराष्ट्र स्थापना दिवस बनाते हैं। फिर आसाम के अंदर से आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, ये अलग अलग स्टेट निकले आसाम में से, और इनको लैंड ऑफ 7 सिस्टर्स कहा गया, ठीक है। तो आप, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है देखने के लिए, आप कभी ऐसा टाइम मिले तो वो सब देखने जाना, आसाम सिक्किम, बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है वो, पर अपना चाइनीज बॉर्डर के पास भी है, ठीक है। तो उसके बाद फिर धीमे धीमे जैसे आंध्र प्रदेश बना, गुजरात बना, वैसे वैसे धीमे धीमे जो स्टेट्स थे, जो बहुत सारे बड़े बड़े स्टेट्स थे, उन्होंने कहा कि नहीं अब हमें भी अलग अलग स्टेट बनना है, ठीक है। तो वैसे झारखंड बना था 2000 में बिहार से अलग होके, देखो आपको फोटो में दिखेगा, देखो कि बिहार पूरा एक ही है, तो बिहार में से झारखंड अलग बना। फिर देखो ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश से हैदराबाद दोनों सेम होके, उसके अंदर जो अपना तेलंगाना था वो 2014 में अलग बना है ना, 2014 में तेलंगाना भी बन चुका था, ठीक है। और अब महाराष्ट्र में सिर्फ बोल रहे विदर्भा को अलग करने के लिए, तो सब चाहते हैं कि सबका जो है अलग अलग स्टेट बने, पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। करंटली 19 स्टेट्स है, पर ये तो पुराना है, आपको लेटेस्ट न्यूज़ पता ही है कि अभी हमारे पास टोटल 28 स्टेट्स है, ठीक है, 8 यूनियन टेरिटरीज है। 28 स्टेट्स कैसे? क्योंकि जो जम्मू कश्मीर जो स्टेट था उसको 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर था पूरा उसको यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया, तो ठीक है, तो अब जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। और कौन सा? जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख, ये दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी है। तो ये अपना देखो नया पॉलिटिकल मैप जो है इंडिया का, ठीक है, देखो मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड सॉरी, ये देखो, ये अपना गुजरात, राजस्थान, ठीक है, अपना कश्मीर ऊपर छुप गया, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तराखंड, वो ये सब नहीं था पहले, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये अपने, ठीक है ना, ये अपने 7 सिस्टर्स, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने रीजनलिज्म, ठीक है, रीजनलिज्म मतलब प्रदेशवाद। अब क्या हो गया था ना कि जब ब्रिटिश सरकार थी, जो भी उनके फायदे की जगह थे, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने डेवलपमेंट कर दिया, ठीक है,
और एक अलग अलग रीजन भी बन गया। कैसा रीजन? देखो आप कभी घर लेने जाते हो तो आप देखते हो ना सोसाइटी कैसी है, सोसाइटी में गुज्जूस है कि नहीं, या मारवाड़ी ज़्यादा है या मराठी ज़्यादा है। तो अगर आप गुजराती हो तो आप ऐसा सोसाइटी में रहोगे तो देखोगे कि जहाँ पे आदिवासी सब गुजराती रहते हो, ठीक है। तो उस टाइम पे उसको रीजनलिज्म मतलब प्रदेशवाद कहा जाता था। प्रदेशवाद में तीन चीज़ें आती थी, क्या? तीन फैक्टर है, एक लैंग्वेज, भाषा, फिर तीन भाषा बोलने लोगों ने चाहिए, कास्ट और रिलीजन, यानी कि एक धर्म के लोगों ने चाहिए और उनका कास्ट एक होना चाहिए। है कहते हैं कि सेम, देखो फॉर एग्जाम्पल कोई मारवाड़ी कास्ट है तो अभी विश्वकर्मा जयंती है आज, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो सब जो भी है, जो भी मारवाड़ी है, जो भी इसे सुथार या जो भी काम करते हैं वो सब आज पूजा करेंगे, ठीक है। सबका एक सेम रिचुअल है, तो अगर सेम रिचुअल है, सेम भाषा है, तो लोग साथ में रहने को पसंद भी करते हैं। तो यही है अपना स्टेट रीजनलिज्म का मतलब, ठीक है, प्रदेशवाद का मतलब, कि लोग जो है वो देखते हैं कि एक, देखो ये लिखा ना, वर्किंग टूवर्ड्स वन ओन कंट्री इज नेसेसरी, कि लोग अपने अपने एक ग्रुप बना लेते हैं कि हाँ हम इस ग्रुप के हम वही करेंगे, हम जो है ना अपने ग्रुप को डेवलप करेंगे, दूसरे ग्रुप को डेवलप नहीं करेंगे। पर वो थोड़ा गलत सोच है, क्योंकि अपने को एक कंट्री के बारे में सोचा कि हम पूरी कंट्री हमें साथ में मिलकर चलना है, ठीक है। तो कास्ट एंड रिलीजन है, ठीक है, जैसे कि आप इसको पढ़ोगे कि ना वेलफेयर टेररिज्म आसाम ऑन ईस्टर्न साइड, बहुत अलग अलग जो टेररिस्ट ग्रुप है वो सक्रिय है, वो एक्टिव है अभी। वो क्यों है? वो ये कि सब जो है वहाँ पे अलग अलग कास्ट के लोग हैं, कि वो अलग अलग कास्ट के लिए अलग अलग चीज़ें चाहते हैं, कि हमारा कास्ट अलग है तो हमें अलग स्टेट बनना चाहिए और हमें हमारी चीज़ें अलग होनी चाहिए, मतलब कि हमें किसी से शेयर ना करना पड़े। जो टेररिस्ट है वहाँ के नक्सलवादी है वो ये चाहते हैं कि हमारा जो एरिया है वो अलग हो जाए, ठीक है। फिर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश उत्तरांचल, ठीक है, झारखंड सेपरेट हुआ था बिहार से इसके लिए, छत्तीसगढ़ हुआ था किस में से, मध्य प्रदेश में से, उत्तरांचल हुआ था यूपी में से, ठीक है। अभी एक सेपरेट विदर्भ रीजन चाहिए महाराष्ट्र, जो विदर्भ के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र से विदर्भ अलग हो जाए, उसको अलग स्टेट बने, ठीक है। तो मेरे को एक बार कमेंट्स में बताना आपको क्यों लगता है कि लोग ऐसा क्यों चाहते हैं अभी भी कि हमारे अलग, जैसे कि अपने हरियाणा में हो गए जाट समुदाय, ठीक है, वो चाहते हैं कि हमारा अलग स्टेट बने, तो लोग ऐसा क्यों चाहते होंगे, मतलब कि क्या चीज़ें होती होगी उनके दिमाग में जो लोग ऐसा कहते हैं कि ना हमें अलग स्टेट चाहिए, ठीक है। इसका जवाब देना, ठीक है, ग्रुप में भी दे सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में और इस कमेंट में भी दे सकते हो, पर इसका जवाब मुझे चाहिए, मुझे इसका जवाब मांगता है, ठीक है। तो अब अपना रीजनल इनइक्वालिटी, ठीक है, जो प्रादेशिक असमानता है, ठीक है, जो प्रादेशिक असमानता है वो क्या है, तो उसके बारे में अपने जानते हैं, ठीक है। तो प्रादेशिक असमानता क्या, कि जो आपको पता है कि ना ब्रिटिशर्स जो थे, मैं आपको पहले भी कहता रहा हूँ कि इंडिया जो आज़ाद हुआ उसके पहले उन्होंने बहुत सी जगहों को डेवलप किया, तो वो वैसी जगह थे जहाँ पर उनका खुद का फ़ायदा निकलता था, क्योंकि उनको भी अपनी कॉलोनी बनानी थी, उनको खुद को कहीं पर जाना था, ठीक है। तो जो पिछड़े वर्ग थे, जो पिछड़ा इलाका था, जहाँ पे कुछ ऐसा खेती या कोई खेती बाड़ी की ज़मीन नहीं थी या कुछ मिनरल्स नहीं थे अच्छे खासे, तो उसका वो लोग वैसा उस जगह को उन्होंने डेवलप नहीं किया, बाकी के जो दूसरी जगह है उसको उन्होंने भर भर के डेवलप किया, ठीक है। तो यही था कि अब कुछ रीजन थे जैसे विदर्भ का काम है ना, ठीक है। ये देखो महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र को लोग ऐसे कहते हैं बॉम्बे को एकदम इकोनॉमिक डेवलप है, मतलब कि वहाँ के लोग बहुत ही डेवलप हुआ करते हैं, मतलब कि पैसे से भी और हर तरीके से, और उसके रीजन है विदर्भ, ठीक है, और मराठवा, वहाँ के लोग पिछड़े हुए, मतलब कि एक स्पेसिफिक जगह है ऐसा महाराष्ट्र विदर्भ रीजन है, मराठवाड़ा रीजन है, जहाँ पे लोगों का इतना ध्यान नहीं किया कि सरकार की जो पॉलिसी थी, जो सरकार के लोग थे वो सब इतना नहीं हुए वहाँ पे, ठीक है। तो यही था अपना रीजन इनक्वालिटी के बारे में, ठीक है। फिर जैसे कि अपना आंध्र प्रदेश के जो है सर्टेन एरिया, जो आंध्र प्रदेश का है वो बहुत ही काफ़ी डेवलप्ड है, पर वहाँ के जो एरिया थे जैसे कि रायलसीमा और तेलंगाना वो पिछड़े माने जाते हैं, मतलब कि वहाँ पे लोगों का ध्यान ही नहीं गया, तो वहाँ पे लोगों का ध्यान नहीं गया, तो वहाँ के लोग चाहते हैं कि हम अपना अलग सा स्टेट बनाए, जहाँ पे हमारे लोग रहेंगे, हम हमारे लोगों के लिए ही डेवलप वो स्कीम्स लेके आएंगे, मतलब कि ऐसा स्ट्रेटेजीज बनाएंगे अपने खुद के लोगों के लिए, क्योंकि अगर हम इन स्टेट में रहेंगे तो इन स्टेट पे ज़्यादा बातें तो सिर्फ इनकी होने वाली है, हमारे तो हमारे लोगों को कुछ करेगा ही नहीं। इसके लिए तेलंगाना अलग स्टेट बन गया था आंध्र प्रदेश में से, ठीक है। फिर यहाँ तक आपको क्लियर हो रही है चीज़ें, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, पर क्योंकि मेरे को वीडियो छोटी भी रखनी है, क्योंकि आप सब कहते थे कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसके लिए मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। और आपकी जो चीज़ें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, इम्पोर्टेंट जो
आ सकते हैं, मैं आपको वही बता रहा हूँ, ठीक है। अब अपना साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, तो इंडिया ने जो डेवलपमेंट किया है साइंस के फील्ड में वो काफ़ी ही, मतलब कि आप दूसरे कंट्रीज को देखोगे जो उस टाइम पे आज़ाद हुई थी, ठीक है, तो सॉरी, तो वहाँ के लोगों ने इतनी जल्दी प्रोग्रेस नहीं की जितने इंडियंस ने की। तो आप सबने देखा भी होगा मूवीज़ के अंदर कि इंडिया जीरो का आविष्कार भी इंडिया ने किया, बल्कि इंडिया के लोगों के पास बुद्धि तो हमेशा से थी पहले से, पर उसको कभी हम लोगों ने सराहा नहीं, प्रेरणा नहीं दी उसकी, कभी हमने उनकी तारीफ नहीं की, ठीक है। पर जैसे कि कुछ नाम है, डॉक्टर होमी बाबा, डॉक्टर राजा रमन्ना, डॉक्टर विक्रम साराभाई जानते होंगे गुजरात के थे, डॉक्टर सी वी रमन, उन्होंने इंजीनियरिंग, उन्होंने मतलब कि साइंटिस्ट थे सब, ठीक है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इन्होंने डेवलपमेंट अपने अपने बुद्धि से अपने साइंस के द्वारा इंडिया को डेवलप करवाया। फिर कुछ इंजीनियर्स थे जैसे कि, ठीक है, मैं भी इंजीनियर हूँ, ठीक है, मेरे को प्राउड फील हो रहा है नाम लेते हुए, ठीक है, सर एम विश्वारिया, सैम पिट्रोडा, डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम, जानते हो ना आप सब, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट रह चुके थे, सॉरी इंडिया के प्रेसिडेंट रह चुके थे, ठीक है। और मैं वो मूवी भी देखी होगी, बताया जिसके लिए वो बच्चा ए पी जे अब्दुल कलाम जैसा बनने का कोशिश करता है, तो मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, अगर आपको किसी को याद है तो एक बार कमेंट में बताना यार, मैं भूल गया नाम मूवी का, वो बहुत ही प्यारी मूवी थी वो, ठीक है। और जो ये नाम आपको याद रखना काफ़ी ज़रूरी है कि मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट के क्रिएटर कौन थे, आज जो आप देख रहे हो अहमदाबाद में मेट्रो बन रहा है, ठीक है, वो शादी में सबसे पहले मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट जो बना था कोलकाता बॉम्बे दिल्ली चेन्नई में, तो उसका क्रिएटर कौन था, तो ई श्रीधरन, ठीक है, आपको ये नाम याद रखना है, गांठ बांध लो, ई श्रीधरन मेट्रो प्रोजेक्ट के इंडिया के विधाता है, ठीक है, क्रिएटर है। फिर अपने ना इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो है ना, इसरो, आज इसरो का नाम पूरी दुनिया में फेमस हो गया है, ठीक है, नासा, इसरो, नासा तो अमेरिका की है, इसरो अपनी इंडियन है। आपको एक फैक्ट बताऊं, नासा के अंदर जितने भी साइंटिस्ट है ना वो मोस्टली इंडियन है, साचू बोल रहे हैं ना, मतलब कि है, क्योंकि वहाँ पे लोगों की इज्जत की जाती है, लोगों के टैलेंट पर पहचाने जाते हैं। स्टार्टिंग में इंडिया में ऐसा नहीं था, इंडिया में तो राजनीति चलती रहती है हर टाइम, ठीक है, पर अब इंडिया का थोड़ा चीज़ अच्छी होने लगी है, क्योंकि अब इंडियंस वो टैलेंटेड हुआ करते थे हमेशा, तो उन्हें वो स्टेटस नहीं मिलता था, सॉरी मेरे को तबीयत ही खराब है ना इसकी वजह से, तो उनको अमेरिका के अंदर बहुत स्टेटस मिलता था कि हाँ ये उनको सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती थी, क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी वहाँ पे बहुत अच्छी है। तो सब इंडियन के लोग टैलेंटेड है नहीं है ऐसी बात नहीं, इंडियन के लोग बहुत टैलेंटेड है, नासा के अंदर मोस्टली इंडियन साइंटिस्ट है, ठीक है, पर फिर क्योंकि उनको वहाँ पे उनकी लाइफ ज़्यादा आसान हो जाती है, उसके लिए वो वहाँ रहते, और इंडिया के अंदर कम पैसे, कम सैलरी, कम क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, इसकी वजह से वो इंडिया को हमेशा से नज़रअंदाज किया गया। पर अब इसरो जो है उसमें काफ़ी नाम कमा लिया, ठीक है, अब जो इंडियन के लोग हैं साइंटिस्ट हैं वो भी वापस इसरो में आ रहे हैं, अब मेक इन इंडिया, लोकल फॉर वोकल, तो ये सब चल रहा है। तो सब जो भी इंडियन से जो बाहर है क्या काफ़ी तेज बुद्धि है, उस सब भी इंडियन के लिए काम करें, अपने इंडिया को आगे बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने इंडिया सुपर पावर बने, ठीक है। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी ये सब हुआ था, ठीक है। तो ये कुछ है वुमेन के नाम है, ठीक है, जिन्होंने अपने अपने फील्ड के अंदर बहुत ही महारत हासिल किया, उनको पूरी दुनिया ने उनका शुक्रिया किया, उनको सम्मान किया। तो जानकी अम्मा, ठीक है, वेजिटेशन मतलब कि फ्लोरा प्लांट्स के फील्ड में उन्होंने बहुत नाम किया। अजीमा चटर्जी केमिस्ट्री में इन्होंने बहुत अपना योगदान दिया। डॉक्टर इंदिरा आहूजा मेडिसिन फील्ड में, ठीक है, आज हम दवाई की फील्ड में उन्होंने बहुत ही अपना योगदान दिया। शकुंतला देवी, अब तो उनके पर मूवी भी बन गई, देखा ना आपने, विद्या बालन जी है, मैथमेटिशियन थे, उनको ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाता था, क्योंकि वो कोई भी लंबा कैलकुलेशन दो आप चुटकी हो जाते सॉल्व कर दिया करती थी। कल्पना चावला, ठीक है, पता है आपको एस्ट्रोनॉट थी, और अपना सुनीता विलियम्स वो भी एस्ट्रोनॉट है, ठीक है। तो ये सब ऐसा नहीं है कि इंडियन की जो वुमेन है वो पीछे थी, ऐसे बोलते हैं ना वो दंगल मूवी में, मेरी छोड़े के छोड़ों से कम है क्या, ऐसा ही है। इंडियन जो औरतें हैं वुमेन है उन्होंने भी बहुत योगदान दिया, उन्होंने भी बहुत तरक्की की, ठीक है। फिर अब एक है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे हम फूड ग्रेन्स पे, मतलब कि जो हमारी जो खाद्य सामग्री थी वो हम बाहर से मंगाते थे, ठीक है, पर ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, ठीक है, इंडिया जो है वो बाहर खाना बेचने लगा। सो तो पहले ऐसा था कि हम इंडिया के अंदर खाना बाहर से मंगाते थे, जो भी अनाज थे वो बाहर से कंट्री से हम इंपोर्ट करते थे। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन मेरे को ग्रीन पैनल लिखना चाहिए, है ना,
तो वो ग्रीन में से लिखूंगा मैं, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। ठीक है, आप गुजराती या हिंदी में अगर आप सुन ले तो, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी ख़राब है, थोड़ा माफ़ करना मुझे। रेवोल्यूशन, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हम अब खाना जो अनाज है वो बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। मोस्टली बहुत सारी चीज़ें जो अनाज है उसके लिए हम वर्ल्ड के टॉप में आते हैं प्रोडक्शन के मामले में। ठीक है, फिर इंडिया ने अपने न्यूक्लियर साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए भी बहुत ना प्रोग्रेस किया। ऐसा नहीं कि इंडिया खाली खाने या अपना ना फार्मर्स जो है, ऐसा कहते हैं इंडिया खेती करता है, ऐसा नहीं है खाली खेती में इंडिया ने आगे किया है। इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी है, अब तो बहुत से वेपन्स ऐसे हैं जो कुछ चुनिंदा 4-5 कंट्री के पास है, उसके लिए इंडिया की भी नाम है। ठीक है, इंडिया ने पोखरण, ठीक है, राजस्थान के ने 2 बार न्यूक्लियर वेपन भी टेस्ट किया, जिससे दुनिया को पता चल गया कि भाई अगर इंडिया पे कोई आग दिखाएगा तो इंडिया छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है जिससे वो किसी भी देश को टेस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, आपको पता होगा नागासीमा, नागासाकी और हिरोशिमा पे, यही दो जापान की दो सिटी है जहाँ पे एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा है, अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में फेंका था वहाँ पे बॉम्ब। ठीक है, उसके बाद आज तक कभी न्यूक्लियर वेपन का यूज़ नहीं किया गया, क्योंकि सबको डर लगता है अगर मैं यूज़ करूँगा तो सामने वाला भी मुझ पर कहीं फेंक ना दे तो दोनों ही मरेंगे ना, दोनों ही मरेंगे तो क्या ही फायदा वैसे झगड़े का, जिसके लिए दोनों को नुकसान हो रहा है। ठीक है, अगर आपको कुछ फायदा हो रहा है तो आप वो चीज़ करते हो ना, सोचो अगर आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप कैसे वो चीज़ करोगे भाई? कोई समझदार इंसान तो नहीं करेगा, अगर कोई पागल है बेवकूफ़ हो तो उसके बाद उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। ठीक है, फिर लेबोरेटरीज और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बनाई गई, लोग जो किसान थे उनको नई नई टेक्नोलॉजी से बताया गया, उनसे पहचान करेगा कि भाई ये नई टेक्नोलॉजी आप ये यूज़ करो तो आपका खाद्य और बढ़ेगा और ज़्यादा उपज होगी आपकी। ठीक है, तो हर फील्ड में इंडिया ने डेवलपमेंट किया, ऐसा नहीं है कि मिलिट्री है तो मिलिट्री के लिए भी डेवलपमेंट किया। ठीक है, बस एक राजनीति रह गई जहाँ पे इंडिया थोड़ा कमज़ोर हो गया, ये मेरा व्यू है। ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है कि राजनीति में हम थोड़े पीछे रह गए, वैसे लीडर्स नहीं आए हमारे पास जैसे आने चाहिए थे। ठीक है, अभी तो नरेंद्र मोदी सर है, पर ठीक है, आप सबका अलग अलग व्यू है। ठीक है, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया नो डाउट, पर कुछ कुछ बातें समझ के बाहर है मेरे भी। ठीक है, तो उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, पर ये था अपना इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट आता है यार, आपको मेरे को कहना है कि सर आपका आपने पढ़ा है मुझे मज़ा नहीं आया, तो यार वो भी लिख दो यार, पर ऐसा लिखो भी जब पता चलेगा कि यार लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आपको नहीं पसंद आया, आपको कुछ कहना है या तो बताना मुझे, मैं भी सीख ही रहा हूँ, मैं भी अगली बार से फिर कुछ अच्छा करने की या कुछ नया तरीके से करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, फिर इंडिया के सॉरी, अब आपको पता है इंडिया ने सैटेलाइट रॉकेट के अंदर भी अपना बहुत नाम कमाया है। ठीक है, जो अपना GSLV है, ठीक है, वो क्या है, वाई कलर है, अपने ट्रेन से जाते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह, वैसे वो सैटेलाइट जो है जो पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा लगाता है वो वहाँ पे ले जाने का एक व्हीकल है। ठीक है, जो सैटेलाइट को लॉन्च करता है वो इंडिया ने डेवलप किया। इंडिया के 3 सैटेलाइट के नाम को याद रखने के, ठीक है, आर्यभट्ट, भास्कर और रोहिणी। ठीक है, अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा जब इंडिया और चाइना का झगड़ा चल रहा था तब कुछ फोटोज दिखा रहे थे वो लोग कि देखो चाइना के लोग याद आ गए और ये फोटो हमें सैटेलाइट से मिले। तो सैटेलाइट कहाँ से है? सैटेलाइट यही सैटेलाइट से जो घूमते हैं और वो पिक्चर्स लेते हैं। ठीक है, आपका जो वेदर रिपोर्ट है, ठीक है, आपका जो बता देता है कि आपको कल बारिश होगी या कल ऐसा रहेगा, सब सैटेलाइट से हो रहा है। आपके टीवी के अंदर जो कनेक्शन आते हैं, जो चैनल देख पाते हो हर बार, सब सैटेलाइट के कारण हो रहा है। ठीक है, तो सैटेलाइट से हमारी इजी हमारा जो चीज़ें हैं हमारी लाइफ उसको आसान कर दिया है। ठीक है, न्यूक्लियर टेस्ट करना है या कोई देखना है कि कोई कंट्री क्या कर रही है तो सैटेलाइट से हम उसकी पिक्चर्स ले सकते हैं। वहाँ पे अपना टेलीकास्टिंग करना है, न्यूज़ चैनल जो भी चैनल हम देख पा रहे हैं सब सैटेलाइट है हमारे ऊपर रिवॉल्व हो रहा है, इसके वजह से हम कर पा रहे हैं। एजुकेशन हो गया, वेदर हो गया, गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट मिनरल्स कि भाई कौन से एरिया में मिनरल्स है, अब हर जगह तो इंसान जान नहीं सकते ना, अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे पता चले सैटेलाइट की वजह से तरफ से कि भाई हाँ यहाँ पे खदान होने की चांसेस है, तब जो ह्यूमन से वहाँ आ जाएंगे और वहाँ पे माइनिंग करेंगे, पर वो पता चला था ना वो एरिया के बारे में, तो वो एरिया के बारे में कैसे पता चलता है? सैटेलाइट्स के बारे में, सैटेलाइट जो है वो आपका पिक्चर्स लेती है। अब सैटेलाइट अपने जो चारों ओर जो अपने स्पेस है, अब सैटेलाइट ही सैटेलाइट है, सब देश के अलग अलग सैटेलाइट्स है। ठीक है, नासा के सैटेलाइट्स है, इसरो के सैटेलाइट्स है। ठीक है, तो ये अपना हो गया।
फिर अब लास्ट वन डिकेड में हमने जो अपना कंप्यूटर के फील्ड में है, मोबाइल के फील्ड में है, सब के ना हमने बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट कर दिया है। ठीक है, अब तो हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, जियो है, जियो ने इतना सस्ता नेट कर दिया कि सबके पास अभी इंटरनेट भी आ रहा है, सब जो लोगों के पास अभी इंटरनेट हाथ में है, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो चुटकी बजाने मिल जाती है। ठीक है, फिर इंडिया के पास जो AI, ठीक है, AI समझते हो ना, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कि मैं ना घर पे बैठ, मैं ऑफिस में बैठा हूँ, अब मैं ऑफिस में गए बटन दबाऊँ तो मेरा घर का जो लाइट है, पंखा है, वो बंद हो जाए। ठीक है, ऐसा मतलब कि बटन दबाते ही कुछ ना प्रेस करते ही मेरी जो चीज़ें वो अपने आप ऑन ऑफ हो जाए, कि जैसे मैं कार से जा रहा हूँ बाहर तो मैं घर से निकला, मेरा कार का जो अंदर का है वो थोड़ा AC चालू हो जाए उसका, ठीक है, थोड़ा उसका टेम्परेचर लो हो जाए अपने आप एक बटन प्रेस करते हुए। ठीक है, ये सब अपना, जैसे कि कोई बच्चा अंदर है, अब कैसा होता है ना कि कोई पेरेंट्स बाहर आते हैं तो अपने बच्चे को अंदर गाड़ी में रख देते हैं, ठीक है, क्या कभी वो बच्चे को भूल गए अंदर, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको बता देगा कि आपका बेटा है या जो भी है, बच्चे जो भी है, वो अंदर कार के अंदर बंद हो गए। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स, आपको पता है रोबोट के अंदर भी इंडिया बहुत नाम कर रहा है। ठीक है, कि ना रोबोटिक्स के द्वारा चीज़ों को आसान किया जाए, तो हर फील्ड में इंडिया ने डेवलपमेंट किया है, और ये सब आप जैसे बच्चों के कारण ही हुआ है, हम जैसे बच्चों के कारण, ठीक है, हम मेरे बच्चे, हम जैसे बच्चों के कारण हुआ है, हम जैसे लोग जो है, जो इतने टैलेंटेड लोग हैं इंडिया के अंदर कि पूछो मत, है ना। पेपर डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब वर्ल्ड फेमस हुआ था कि आप ना इंडिया का माल ही हम खरीदेंगे, इंडिया के अंदर जब बने हैं जो मेक इन इंडिया का रहेगा पोस्टर रहेगा हम वही खरीदेंगे, मेक इन चाइना नहीं लेंगे अब हम। फिर 21 जून, पता है ना कौन सा डे, वर्ल्ड योगा डे, ठीक है, उसको सबसे पहले चालू किसने किया था, मतलब कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ही कहा था कि 21 जून को हम वर्ल्ड योगा डे मनाएंगे, और उसकी यूनाइटेड नेशंस ने भी हाँ कह दिया कि अब जो हर साल 21 जून को वर्ल्ड योगा डे मनाया जाएगा, वर्ल्ड योगा डे, इंडियन योगा डे नहीं, वर्ल्ड, मतलब कि पूरी दुनिया उस दिन योगा डे मनाएगी, और वो भी दिन किसकी, हमारे इंडिया की ही है। ठीक है, आई होप आपको याद तक समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच मेरे को सुनने के लिए, इतना तो मेरे घर वाले मेरे को नहीं सुन रहे जितना आप सुन रहे हो। ठीक है, अगर आपको पसंद आया यार तो लाइक कर देना, नहीं आया तो डिसलाइक भी कर देना, ठीक है, पर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम यहाँ पे आप ही के लिए, आपकी लाइफ आसान करने के लिए हम वीडियोस बना रहे हैं। मेरा कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो बना के, मेरे को एग्ज़ाम में कुछ नहीं पूछने वाले ये लोग, सब अलग से ये सब कुछ नहीं आएगा, पर हम आपका फ़ायदा हो उसके लिए हम बना रहे हैं, हमारी पूरी टीम आपके लिए ही काम कर रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना यार, शेयर मत करना, मत भूलना, आपके जितने फैंस है अगर उनको नहीं समझ आ रहा, उनको नहीं पता यार कहाँ से पढ़ूँ मैं, तो उनको बताना हमारा चैनल के बारे में, जहाँ पे आपको सारे लेसन्स मिल जाएंगे, हर टॉपिक्स के मिल जाएंगे। ठीक है, NTSC के रिलेटेड और NMS के रिलेटेड। ठीक है, तो आप मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू एंड बाय बाय।